हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो व्लॉग जो है मैंने सुबह ही स्टार्ट कर दिया था जब मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था। समोसे आप लोगों ने देखा होगा, मैंने होममेड समोसे बनाए थे जो कि काफ़ी यम्मी बने थे। समोसे जो मैंने एक साल बाद बनाए हैं या मैंने कम्प्लीटली एक साल बाद बनाए हैं। जो लोग मुझे पिछले साल से फॉलो करते हैं उन लोगों को पता होगा लास्ट ईयर मैंने मतलब एक साल पहले मतलब कम से कम 12-13 महीने पहले जो है मैंने समोसे बनाए थे। तब से घर पे समोसे नहीं बनाए हैं। मैं सिर्फ बारिश के मौसम में घर पे समोसे बनाती हूँ क्योंकि बाहर का जो भी कुछ ऑयली होता है वो बारिश के सीज़न में नहीं खाती हूँ मैं। मुझे अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्या है बट मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैं नहीं खाती हूँ। एंड आप लोगों को भी रिकमेंड करती हूँ मैं हर बार कि प्लीज़ बाहर का मत खाइए ऑयली बारिश के दिनों में। वैसे तो हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते बाकी दिनों में बट बारिश के दिनों में प्लीज़ मत खाइए बाहर का ऑयली। तो इसलिए मैंने सुबह जो है समोसे बनाए थे घर में जो काफ़ी यम्मी बने थे और उसमें से कुछ जो है विवेक ने फ्राई किए। मैं पिक को नहाने लेके गई तो कुछ विवेक ने फ्राई किए तो उसको पूरे जला दिए थे, रेड रेड कर दिए थे एकदम डार्क। एंड उन्होंने खुद ही खाए फिर वो। तो अभी जो है वो रात हो गई है, रात के 10:15 बज रहे हैं एंड आज जो मैं काफ़ी टेंशन में हूँ। थोड़ी देर में आपके साथ वो शेयर करती हूँ मैं किस चीज़ का टेंशन, मतलब खुशी भी है टेंशन भी है। बहुत बड़ा स्टेप जो है मैं कल करने जा रही हूँ। बहुत से लोगों को सुन के लगेगा ये तो इतनी सी बात है बट मेरे लिए वो इतनी बड़ी बात है, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। वो थोड़े से पैसे मेरे लिए बहुत पैसे है, वो छोटा सा डिसीजन जो है मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन है। मैं आपके साथ थोड़ी देर के बाद शेयर करती हूँ, मेरे बाद में शेयर करती हूँ। मेरे दिल में जो है सबसे उसी चीज़ की टेंशन चल रही थी जब से मैं जाके आई हूँ। मैंने उस चीज़ के लिए कल का अपॉइंटमेंट लिया है। अगर किसी को समझ रहा होगा तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये ब्लॉग पहले आएगा, कल का ब्लॉग बाद में आएगा। कल पता नहीं मैं शेयर कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी बट कोशिश करूँगी मैं। अभी जब मैं डिनर बनाने जा रही हूँ, जैसे अभी कैप्सिकम निकाला है कट करने के लिए, तो मैं कैप्सिकम एंड आलू की सब्जी बनाने वाली हूँ एंड चावल बनाने वाली हूँ। तो चलिए फिर खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, खाना बना लेती हूँ उसके बाद में मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ वो बात। मतलब हेट दूंगी सिर्फ, पूरी बात नहीं शेयर करूँगी बट थोड़ा सा बताऊँगी। और पीकू जो है वो कलरिंग कर रही है, आज संडे है आज उसको छुट्टी है, वो कलरिंग कर रही है। और कल जो है वो नाग पंचमी है, कल मंडे है नागपंचमी है, कल घर पे पूजा वूजा होगी तो मैं वो सब आप सबके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल अभी खाना बनाते हैं। कवर है वो खराब हो गया है, धोने डाला है मैंने, वो सूख गया है मे भी। तो
क्योंकि ऐसे कपड़े टांगने पड़ते हैं तब सूखते हैं, घर में ही टांगने पड़ते हैं, बहुत लेट सूखते हैं, तो छोटी बच्ची कुछ ना कुछ पिलो पे या बेडशीट पे गिराती रहती, तो धोते रहना पड़ता है। तो मैंने उसी एक को डाला, इसको नहीं डाला, क्योंकि ये साफ ही था, जस्ट मैंने धोया था, इसलिए ये आके यहाँ बैठ गई। तो कल जो है मेरी लाइफ आप लोग को तो कल जो है मेरे लाइफ का जो है बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए जो है बहुत बड़ा दिन है। एक वो दिन था जब मेरी शादी हुई थी विनोद के साथ, एंड एक ये दिन है जो मेरे लाइफ का बहुत बड़ा है। मतलब किसी को जो है कुछ लोग जो होंगे उनको सोच के ऐसा लगेगा कि इतनी सी बात है, इतना बड़ा सोच रही है, बट नहीं हो जा छोटी में जज हो पाता। तो कुछ लोग जो है उनको लगभग इतनी छोटी सी बात है उसको इतना बड़ा कह रही है या फील कर रही है, वॉट एवर जो भी कुछ किसी को लगेगा, बट मेरे लिए जो है रियली रियली ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जब मैं नाइन टेंथ में सोचो, जैसे हम होश संभाल लेते हैं, हमें खुद के बारे में चिंता होती है कि हमारे बाल अच्छे दिखने चाहिए, हमारा फेस अच्छा दिखना चाहिए, या हम अच्छे दिखना चाहिए, हमारे पास अच्छे अच्छे ड्रेसेस होना चाहिए, या हम मतलब अगर कुछ लोगों में जा रहे हैं तो सबसे अच्छा अट्रैक्टिव हम दिखना चाहिए, ऐसे हमको लगता था कि सबसे अच्छे और सबसे सुंदर जो है हम दिखने चाहिए, हमारे कपड़े, हमारा मेकअप, एवरीथिंग, हमारे सैंडल्स, इवन हमारे सैंडल्स, हमारे डिकोर, सब कुछ जो है पूरे क्लास में से या सारी लड़कियों में से हमारा अच्छा दिखना चाहिए, ऐसे हम सबको लगता था। जो जो मेरे साथ एग्री करते कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो 9-10 से जो है ये सारी बातें समझ में आने लग गई थी मुझे, तो तब से बस मैंने बस यही कुछ ख्वाब देखे थे जो ख्वाब मेरा कल पूरा होने जाने वाला है। एंड 9-10 में जब मैंने और एक ख्वाब देखा था कि मेरी खुद की स्कूटी हो, जो ये होती है एक्टिवा मोपेड जो होती है, तो उसमें मुझे ब्लैक एक्टिवा की मेरी जो है बिल्कुल दिल से ख्वाहिश है मेरी कि मैं ब्लैक एक्टिवा खरीदूँ, कभी ना कभी तो होगा मेरी लाइफ। सबसे पहली बात तो बता दूँ कि मेरे लाइफ में सिर्फ 3 सपने थे मेरे जब से मैं 9th-10th में थी, तब से 10th या 11th-12th जो भी समझ लो, जब से मैं 10th में थी तब से मेरे लाइफ में सिर्फ 3 ही सपने थे। एक जो मेरा कल पूरा होने जा रहा है, सेकेंड कि मैं एक स्कूटी खरीदूँ, एंड देन उसके बाद में मेरा एक सपना था कि मेरी शादी जो है वो सिर्फ एंड सिर्फ विवेक के साथ हो। तो मेरी लाइफ का एक सपना जो है विवेक के साथ शादी वाला, वो पूरा हो चुका है, 5 साल पहले पूरा हो चुका है। एंड सेकेंड वाला जो मेरा ड्रीम था वो कल पूरा होने वाला है। बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बट थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि अचानक अगर कोई खुशी मिल जाती है, हमें जो इतने सालों से सोची हुई खुशी अगर अचानक से मिल जाती है तो दिल जो है बहुत घबराता है, एंड पैसे जो है मुझे बहुत खर्च करने पड़ेंगे। मैं कल जब वो चीज़ हो जाएगी, जब मतलब कल की चीज़ हो जाएगी, तब जो है आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैंने क्या किया है, कितने पैसे लगे हैं। एक्चुअली उससे डबल पैसे मेरे, मतलब जितने पैसे मैं कल खर्च करने वाली हूँ उससे डबल रकम जो है मेरे अकाउंट में अभी भी है बैलेंस। विवेक ने डलवाया है मेरे इसमें, मतलब पहले से वो सेविंग करते हैं मेरे अकाउंट में, विवेक की आदत है वो मेरे अकाउंट में सेविंग करते हैं, तो मेरे पास पैसे है ऑलरेडी, उससे डबल पैसे है, मतलब आधे पैसे दे रही हूँ मैं, आधे पैसे मेरे पास रहने वाले हैं। ऑब्वियसली मिडिल क्लास है, ज़्यादा सेविंग ही होती है, बहुत थोड़ी सेविंग होती है, सिर्फ विवेक कमाते हैं, घर में सारी चीज़ें उन्हीं के भरोसे में चलती है, तो बहुत कम सेविंग होती है, तो है मेरे पास पैसे, बट फिर भी दिल इतना दुख रहा है कि मेरे बाप रे मेरे इतने सारे पैसे जाएंगे। ऑब्वियसली एक मिडिल क्लास के लिए 1,000-2,000 रुपीज़ से 10 रुपीज़ तक, 100 रुपीज़ हो, कितने भी हो वो, बट वो बहुत मायने रखते हैं मिडिल क्लास फैमिली के लिए, बहुत मायने रखते हैं वो, क्योंकि एक एक रुपया जोड़ के वो उतने पैसे जमा किए होते हैं। एंड विवेक ने और मैंने भी बहुत इससे वो सेविंग की थी, एंड हम बाइक के लिए सेविंग कर रहे थे बट हमारा नहीं हो पाया, इस वजह से अभी हम लोग फिलहाल बाइक जो हम लोग वैसे भी लेने वाले थे, मेरा लास्ट बर्थडे में लेने वाले थे पहले, बट तब नहीं हो पाया। देन विवेक ने कहा मैं तुमको वैलेंटाइन गिफ्ट करूँगा, तब भी विवेक का नहीं हो पाया, तो अभी जो है चल रहा है राखी के आसपास खरीदने वाले थे बट वो भी नहीं हो रहा है, तो मे बी दिवाली तक हमारे घर में बाइक आ जाएगी, बाइक मतलब मेरे लिए मुफेट आ जाएगी, वो खरीदने वाले हैं हम। लेकिन कल का जो ड्रीम है जस्ट मैंने विवेक के साथ बैठ गया दोपहर में शेयर किया, यार मेरा ये ड्रीम है तुम्हें तो पता ही है, तो क्यों ना मैं, अगर हम लोग गाड़ी नहीं ले रहे अभी तो क्यों ना मैं ये अपना पूरा कर लूँ। तो विवेक ने ऐसी बात है कहा, विवेक ने कहा कि ऐसी बात है चलो जाके हम लोग जाके पूछताछ करके, हम लोग जाके पूछताछ करके अपॉइंटमेंट लेके आ गए हैं, बाकायदा हम लोग अपॉइंटमेंट लेके आ गए हैं कल की है 11-12 बजे की अपॉइंटमेंट है, 11 या 12 बजे आने के लिए कहा है उन्होंने मुझे। तो मुझे जो है बहुत डर भी लग रहा है, बहुत खुशी, मतलब सारे इमोशंस जो है वो एक साथ आ गए हैं, डर, खुशी एंड पैसे जाने का गम।
ये सारे विवेक कह रहे हैं अगर तुम मतलब दोनों चीज का होगी तो ऐसा नहीं होगा, या तो पैसे या तो फिर जो तुम्हें चीज चाहिए वो ही होगी, तो तुम पैसे की टेंशन मत लो, जाओ खुशी खुशी से कल करके आओ, क्योंकि विवेक की भी सपोर्ट की जरूरत होगी कल पीकू को देखने के लिए। पीकू कल घर पे ही है, कल नागपंचमी, कल बहुत मतलब बहुत रिस्की है, बट मंडे है, बहुत अच्छा दिन है, कल मेरा फास्ट भी है, दिन जो है बहुत अच्छा होने वाला है, तो देखते हैं क्या होता है। तो कल मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, मैं पूजा वाला ब्लॉग अलग बनाऊंगी और वो वाला जो मेरा सरप्राइज ब्लॉग है वो अलग बनाऊंगी मैं, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो बहुत 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 खुश हूँ, और जो कोई गेस कर पा रहा है कि मैं क्या करने जाने वाली हूँ, तो ओल्ड था नहीं था जो कोई भी गेस कर पा रहे हैं कि मैं कल क्या करने जा रही हूँ, तो प्लीज प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी, मैं पिन करूंगी उनका कमेंट जो करेक्ट होंगे। तो ये ब्लॉग कल आ जाएगा, एंड ये वाला जो ब्लॉग होगा परसों, कल नहीं सॉरी, ये वाला ब्लॉग मे बी आज संडे है, या तो ये ट्यूसडे तक ये ब्लॉग आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास फिलहाल और एक ब्लॉग रखा है मंडे के लिए, ये ब्लॉग ट्यूसडे में आएगा, वो ब्लॉग जो होगा वेडनेसडे में आएगा। तो ज़रूर आप लोग गेस कीजिएगा, एंड बहुत टेंशन है फिलहाल मेरे दिमाग में, टेंशन चल रहा है खुशी के साथ ही। तो फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं कल के नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो अगर ये ब्लॉग में अगर थोड़ा सा भी आप लोग मेरे स्टोरी साथ रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, प्लीज़ प्लीज़ लाइक करना, कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, कल के वाले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।